हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। कोरोना महामारी की दूसरी लहर अत्यधिक गंभीर होती जा रही है। देश में पहली बार 2,94,000 नए मामले सामने आए हैं और 2,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हालात बेहद चिंताजनक होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में रिकॉर्ड मौतें हुई हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 2,94,115 नए मामले सामने आए हैं। 1,66,520 मरीज रिकवर हुए हैं और 2,020 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 519, दिल्ली में 277, छत्तीसगढ़ में 191, उत्तर प्रदेश में 162, कर्नाटक में 149, गुजरात में 121 और मध्य प्रदेश में 77 मौतें शामिल हैं। देश में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच पीएम मोदी ने मंगलवार रात देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने सभी कोरोना योद्धाओं की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बीते दिनों में जो कदम उठाए गए हैं उससे स्थिति को सुधारेंगे। पीएम ने कहा कि देश में जागरूकता से लॉकडाउन से बचने की में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश को लॉकडाउन से बचाना है, राज्य सरकारें भी लॉकडाउन को अंतिम विकल्प समझें। पीएम मोदी ने बच्चों से आग्रह किया कि मेरे बाल मित्रों, घर में ऐसा माहौल बनाइए कि बिना काम और बिना जरूरी कारण लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। पीएम मोदी ने कहा कि देश में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है, हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन भारत में है। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य प्रशासन श्रमिकों में भरोसा जताएं ताकि वो पलायन ना करें। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा युवा साथियों से अनुरोध है कि वो अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में, अपार्टमेंट में छोटी छोटी कमेटियां बनाकर कोविड अनुशासन का पालन करवाने में सहायता करें। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। सीएम ने कहा कि अस्पतालों में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, इसीलिए हर बार घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस दौरान सीएम ने पलायन कर रहे मजदूरों को कहा कि सरकार मजदूरों के साथ खड़ी है, मजदूर पलायन ना करें। राहुल गांधी के कोरोना संक्रमित होने पर प्रदेश के गृहमंत्री ने राहुल गांधी को सलाह दी है कि अगर दिल्ली में उनको अस्पताल में बेड ना मिले तो वे हरियाणा आ जाएं, उनका बेहतर इलाज होगा। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ से मुलाकात के बाद कहा कि कोरोना को लेकर पूरा देश चिंतित है और हमारी पार्टी भी चिंतित है। सिरसा विधायक और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने मंगलवार को गुरुग्राम में कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन लगवाई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सिरसा में श्री बाबा तारकुटिया में एमडीएलआर सभागार में कोविड 19 टीकाकरण अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। हरियाणा के मुख्य सचिव विजयवर्धन ने मंगलवार को चंडीगढ़ में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के लिए गठित कार्यकारी समिति की पहली बैठक की। इस बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इन खेलों के आयोजन से संबंधित आधारभूत संरचना के निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। कोरोना के मामले जिस तरह से करनाल में बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिले में मंगलवार को 547 नए केस पॉजिटिव पाए गए हैं और 307 मरीज रिकवर भी हुए हैं। पंचकुला में कोरोना के इलाज से जुड़े जीवन रक्षक इंजेक्शन रेमडेसिविर के कालाबाजारी का मामला सामने आया। कोरोना की दूसरी लहर के कारण हरियाणा सरकार ने कई पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन इन पाबंदियों के बाद लगातार लोगों के अंदर अब लॉकडाउन लगने का डर बना हुआ है।
सोनीपत की सब्जी मंडी में लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस को भूलकर खुले में बिना किसी डर के घूमते हुए नजर आए। गोआना में कोरोना पर आस्था भारी नजर आई। मंगलवार को माता भीमेश्वरी देवी के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा। रोडवेज डिपो अधिकारी ने बताया कि बस संचालन के लिए सरकार ने हिदायतें जारी की हैं। दिल्ली से सटे फरीदाबाद बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई है। दरअसल दिल्ली में भी 26 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। भिवानी ट्रैफिक पुलिस के प्रभारी विक्रांत माइक हाथ में लेकर लोगों को मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सोनीपत के गांव संदलखुर्द की रोड इन दिनों बदहाली की मार झेलने को मजबूर है। ये रास्ता संदलखुर्द गांव का एक मुख्य मार्ग है जो सोनीपत से होकर खानपुर पीजीआई तक जाता है। रेवाड़ी नगर परिषद में पार्षद और पार्षद के पतियों ने जमकर बवाल काटा। करीब एक घंटे तक चले बवाल में नगर परिषद का काम पूरी तरह से ठप रहा। चरखी दादरी में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने संपत्ति क्षतिपूर्ति कानून के खिलाफ मोर्चा खोला और उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान कर्मचारी और मजदूर कैथल की हनुमान वाटिका में एकत्र हुए और रोष मार्च निकाला। भवानीखेड़ा के बस स्टैंड से एक 5 साल के बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया। बच्चे के परिजनों ने अपहरण की सूचना भवानीखेड़ा पुलिस को दी। राय के जठेड़ी गांव में 7 से 8 महीने के बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। कैथल पुलिस ने एक सोतेले पिता को गिरफ्तार किया जिसने अपने 7 महीने के बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी।